आजकल अधिकारियों को खूब सस्पेंड किया जा रहा है जी, जहां देखो मंत्री जी एक्शन में है, दिखा रहे हैं कि पूरी सरकार एक्शन में है, किसी मंत्री के खिलाफ शिकायत लगा दो जी, भ्रष्टाचार की लगा दो, अनियमितता की लगा दो, तुरंत उनको सस्पेंड किया जा रहा है जी। क्या इस प्रकार से सस्पेंड करने का अधिकार मंत्रियों को होता है? हाँ, अधिकारी जिसके साथ आपने कहा क्या एक्शन लिया जा सकता है, एक्शन तो लिया जा सकता है, बट उसके लिए कोई एक प्रोसीजर है, CSR है, उसके अंदर बाकायदा डिफाइन है, सारे रूल्स हैं। ये इलेक्शन मोड तो है ही, लेकिन ये एक्शन मोड में है, इलेक्शन में एक्शन। हाँ, इलेक्शन में एक्शन वो इसलिए जता रहे हैं कि हम जनता की कोई भी बात जो उसके खिलाफ या जनता की सुनवाई में कोताही या अधिकारी कोई ऐसा गफलत में ना रहे, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। अब एक बार याद आता है मुझे, चाहे देवीलाल मुख्यमंत्री थे तो यहाँ वो जब लोगों से सुनवाई कर रहे थे तो बिजली चली गई, तो उन्होंने कहा कौन है यहाँ पे बिजली के SC, उसको सस्पेंड कर दो, मुअत्तल कर दो, ये शब्द थे, ये शब्द थे, मुअत्तल कर दो, मुअत्तल कर दो उनको। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा में चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, यानी कि चुनावी मौसम इस समय पूरे शबाब पर है। चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में बहुत कुछ होता है। चुनावी माहौल में एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, तबादले होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, नेताओं के ट्रांसफर होते हैं, नेता यहां से वहां जाते हैं, अधिकारियों को वहां से यहां किया जाता है। हालांकि है सब कुछ रूटीन, लेकिन जब चुनाव का मौसम होता है तब इसको खास तौर पर देखा जाता है। इस सारी बात का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आजकल हरियाणा सरकार के जो वजीर हैं, मंत्री हैं, वो बहुत एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज यानी कि आज जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हरियाणा के मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने जो पलवल पहुंचे थे ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए, बैठक के अंदर शिकायतों की, परिवादों की सुनवाई करते हुए उन्होंने जिला नगर योजनाकार अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, आदेश कर दिया कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। इससे पहले कमल गुप्ता ने कैथल में अधिकारियों को सस्पेंड किया, राव अभय सिंह ने अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसके बाद में अगर देखें तो सुभाष सुधा जो स्थानीय निकाय मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2-3 मामलों में एक्शन लिया, सस्पेंड कर दिया। आखिर रूल बुक्स में क्या होता है, अधिकारियों का सस्पेंशन क्यों हो सकता है, क्यों किया जाता है, क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सुनवाई का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मंत्रियों को अधिकार होता है सस्पेंशन का, या वो ग्रीवेंस कमेटी के बतौर चेयरमैन करते हैं? अगर किसी अधिकारी पर ये निलंबन की तलवार जब लटकती है, सस्पेंड किया जाता है, तो फिर उस पर किस प्रकार की बीतती है या क्या चलता है, ये कुछ सवाल हैं और इनको आप भी जानना जरूर चाहते होंगे। और इन सब सवालों के बीच में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं हरियाणा के पंचायत विकास विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त और राजनीतिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी रखते हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। आजकल अधिकारियों को खूब सस्पेंड किया जा रहा है जी, जहां देखो मंत्री जी एक्शन में है, दिखा रहे हैं कि पूरी सरकार एक्शन में है, किसी मंत्री के खिलाफ शिकायत लगा दो जी, भ्रष्टाचार की लगा दो, अनियमितता की लगा दो, तुरंत उनको सस्पेंड किया जा रहा है जी। क्या इस प्रकार से सस्पेंड करने का अधिकार मंत्रियों को होता है? देखिए, सस्पेंशन का अधिकार मंत्री को है जी, लेकिन जो जैसा आपने जिक्र किया कि चुनावी माहौल और चुनाव हरियाणा विधानसभा का जो है बहुत ही निकट भविष्य में होने जा रहा है, तो इस वक्त सरकार में जो मंत्री लोग हैं, आपने जिक्र किया सुभाष सुधा जी ने, कमल गुप्ता जी का, राव अभय सिंह यादव जी का, और बनवारी लाल जी ने पलवल में, ये इलेक्शन मोड तो है ही, लेकिन ये एक्शन मोड में है, इलेक्शन में एक्शन। हाँ, इलेक्शन में एक्शन वो इसलिए जता रहे हैं कि हम जनता की कोई भी बात जो उसके खिलाफ या जनता की सुनवाई में कोताही या अधिकारी कोई ऐसा गफलत में ना रहे, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, ये जताने के लिए, ये संदेश देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है कि दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार की छवि
फील गुड कराने के लिए सरकार बड़ा अच्छा कर रही है जी जी, और उसमें अधिकारियों पर ये गाज गिराई जा रही है। गाज गिराने कहेंगे इसको। गाज ही है और क्या है? आज का जो किस्सा है जहां तक मैंने सुना और मैंने जो समझा है कि वो जो अधिकारी हैं उनके बारे में उनकी अच्छी इमेज अच्छी है, मैंने भी कई जगह सुना और आम जनमानस के अंदर ये बात आई है और सुना है आज इन्हीं वक्त में, और बगैर सुने बगैर बात की जांच बगैर तसल्ली किए भी क्या सिर्फ एक्शन लेना है, कोई भी मुर्गी एक पकड़नी है आज एक मुर्गी हलाल करनी है अगर आ गए दरबार में कोई आ गए, तो किसी को हलाल करना है। ये मेरे ख्याल सभी का एक सामूहिक शायद चल पड़ा है आजकल निर्णय, शायद लगता है कि हरियाणा कैबिनेट का शायद ये सामूहिक निर्णय ना हो, जो भी मंत्री जा रहा है वो इस तरह के एक्शन ले रहा है। तो ये जहां तक है जनता को भरमाने की ये कोशिश है, और अगर देखा जाए तो ये कोई विवेकहीन है ये बात जी, कोई अच्छा वो नहीं है, इसके नतीजे कोई ज्यादा सुखद तो नहीं होंगे इसके परिणाम। हाँ अधिकारी जिसके साथ आपने कहा क्या एक्शन लिया जा सकता है, एक्शन तो लिया जा सकता है बट उसके लिए कोई एक प्रोसीजर है, CSR है उसके अंदर बाकायदा डिफाइन है, सारे रूल्स हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे मंत्री लोग यदा कदा ऐसा घोषणा कर देते हैं, जैसे अनिल विज जी का जिक्र आया, उन्होंने जब हिसार के थे गृह मंत्री होते हुए और हिसार के वो अध्यक्ष थे जी ग्रीवेंस कमेटी के, वहाँ मीटिंग में गए जा करके उन्होंने 2-3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए और वो कई दिन तक कई महीनों तक वो लटके रहे, नाराज हुए मंत्री जी बाद में, भाई मेरी कोई पूछ ही नहीं है, ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में जाना बंद कर दिया। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में ये हथियार अपनाया कि भाई मेरे बात पे एक्शन नहीं हुआ तब जा करके कहीं, बिल्कुल, और वो इस तरह का प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जा रहा है ये कोई अच्छा नहीं है, इससे कोई ज्यादा अच्छी इमेज सरकार की नहीं बनती। तो बजाय इसके कि चाहिए ये कि जो अधिकारी गलत है और जिसका है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी, ले सरकार, लेकिन प्रोसीजर है तरीका है। अब ये तो नहीं आनन फानन में आप गए मीटिंग के अंदर, अब एक बार याद आता है मुझे चाहे देवीलाल मुख्यमंत्री थे तो यहाँ वो जब लोगों से सुनवाई कर रहे थे तो बिजली चली गई, तो उन्होंने कहा कौन है यहाँ पे बिजली के SC, उसको सस्पेंड कर दो, मुअत्तल कर दो, ये शब्द थे उनको, ये शब्द थे मुअत्तल कर दो उनको, उनको मुअत्तल करने के आदेश चंडीगढ़ कन्वे हो गए, तो लोगों में फुसफुसाहट हुई भी, जो उस वक्त मिस्टर दैया SC होते थे बिजली की बोर्ड में, वो एक अच्छे अधिकारी थे और उनकी अच्छी इमेज थी, लोग उनको अच्छा एक ईमानदार अधिकारी मानते थे, तो उन्हीं की पार्टी के बहुत से लोग में ये फुसफुसाहट हुई और ये हुआ कि भाई ये फैसला जो हुआ है गलत हुआ है। तो वो लोग फिर शाम को इकट्ठे हो गए जो देवीलाल जी को हरियाणा भवन जाके मिले और उन्होंने कहा कि जी आज एक तो गलत हो गया, उन्होंने कहा भी क्या गलत हुआ, कहते हैं जी वो बिजली अचानक चली गई, फॉल्ट आया था और अक्सर हमारा जो है हम फरीदाबाद में देख रहे हैं बिजली की व्यवस्था बहुत ठीक है, लोग खुश हैं और अधिकारी अच्छे हैं, तो उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो उचित नहीं मानते लोग, तो देवीलाल ने कहा क्या ऐसा है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम जो है ना आपसे ये बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जो देवीलाल में एक खास बात थी कि वो जनता की जो कोई बात आती थी ना उसको वो कबूल कर लेते थे, मान जाते थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो लोगों की बात सुनकर उन्होंने कहा भी ठीक है इस एक्शन को रोक दो जी, वो रोक दिया था। तो वो भी ठीक है अगर इस तरह का स्टेप अगर मंत्री या मुख्यमंत्री बाद में सोच लें या समझ लें, लेकिन बलि का बकरा बनाना ही है जैसा आप देख रहे हो पिछले दिनों, मैंने कहा ना एक सामूहिक निर्णय नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कैबिनेट की बैठक में फैसला हो रहा है कि हर मंत्री ने जाके एक मुर्गी हलाल करनी निलंबित करना है जी। आपने देवीलाल जी का जिक्र किया, मुझे भी एक बात याद आती है जी, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जी, पलवल के अंदर वो एक सरकार आपके द्वार उनकी बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी चलाई थी उन्होंने जी, हर जगह जाते थे सरकार आपके द्वार लगाते थे जी, बड़ी कारगर था, कारगर भी योजना थी जी, उन्हीं की देखा देखी कई सरकारों ने भी शुरू किया जी। ओम प्रकाश चौटाला पलवल आ रहे थे सरकार आपके द्वार में, सड़क पर चल रहे थे, स्ट्रीट लाइट जल रही थी जी,
अब चौटाला साहब की नजर गई स्ट्रीट लाइट जलते हुए जी, और आ करके वो दरबार में बैठते ही और कहा कि भाई ये एसडीओ को सस्पेंड कर दो, जो भी कोताही है। हाँ, कि भाई ये दिन में लाइट जल रही थी, ये बड़ा नुकसान है जी, और उसका जो दिया दंड सीधा एसडीओ को दिया जी। अब उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के वर्कर कुछ उनके पास गए जी जी, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जी, जो ये लाइट का स्विच बंद करने की ड्यूटी तो लाइनमैन की है, जो नीचे वाले लोग होते हैं उसमें एसडीओ तो लाइट बंद करने जाएगा नहीं जी, क्योंकि हर एक पोल के नीचे स्विच लगा होता है जी जी, आजकल तो हर पोल के नीचे, हर लाइट के नीचे। बिल्कुल है। तो चौटाला को भी लगा, चौटाला साहब को लगा कि यार ये तो वाकई जी तो ठीक है भाई, एसडीओ जाएगा नहीं। नहीं तो उन्होंने भी कहा उस टाइम में ठीक है, नहीं उस ऑर्डर को वापस कर दो जो आपने बताया कि मुअत्तल करने का ऑर्डर था। ऐसे चौटाला साहब ने कहा इसको तुरंत निलंबित करो जी, और उसके बाद उसको जब बैठे रेस्ट हाउस में रोक भी लगा, रोक लगाई उसको। ये ठीक है, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा भिन्नता इसलिए समझता हूँ कि चौटाला साहब ने एक मैसेज देना चाहा था कि ये जो कोताही है। अब देखिए, अब वो इस बात की तो गहराई में जा नहीं सकते थे कि जो नीचे लाइनमैन है या जो जिसकी ड्यूटी है लाइट जगाने की, बंद करने की, तो वो अधिकारी जब श्रेय लेता है अच्छाई का तो बुरे का भी वही उसी को दिया जाए। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ ज्यादा ज्यादती है, ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने इसको एक्शन को वापस ले लिया। अच्छा सुरजेवाला जी, एक बात है जी कि अगर किसी अधिकारी को इस प्रकार से, जैसे ग्रीवेंस की मीटिंग होती है, खुला दरबार होता है जी, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, हालांकि ग्रीवेंस कमेटी की एक जो मर्यादा है जी उसमें तो ये कि केवल चेयरमैन होगा, अधिकारी होंगे, ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर होंगे और शिकायत करता हूं। और जिस विभाग संबंधित शिकायत है उस विभाग के अधिकारी होंगे जी। होता क्या है, इसके अंदर मीडिया के लोग भी होते हैं जी। वैसे मीडिया के लोग ग्रीवेंस कमेटी को कवर नहीं किया करते जी, जिस पे उस पर रोक है असल जो अगर देखें तो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर एक कोर्ट एक तरह से आम जनता भी उसमें आम जनता भी नहीं जाती नहीं, पर अब क्या होता है कि विधायक नेताजी जा रहे हैं, नेताजी के पीछे पीछे दुमछल्ले चल रहे हैं कई सारे, नहीं सैकड़ों लोग बल्कि वो बैठे होते हैं। हाँ, वो विधायक के, सांसद के, जिला अध्यक्ष के जो दुमछल्ले होते हैं वो सारे बैठे होते हैं। उन सबके बीच में एक अधिकारी का जब इस प्रकार किया जाता है जी, मैं तो समझता हूँ कि उसका पूरी तरह से उसके किरदार का हरण हो जाता है उसका। बिल्कुल सही है, तो मोरल डाउन नहीं होता होगा अधिकारी? बिल्कुल होता है। और ये सिर्फ अगर नेता लोग ये समझें कि भाई हम अपने वर्कर को, आम जनता को इस तरह का वो एक्शन ले करके और ये जताएं, उनको खुश करने के लिए इस तरह का स्टेप लें, तो निसंदेह ये कोई अच्छा नहीं है। आपने जैसे जिक्र किया ग्रीवेंस कमेटी का, अब मैं फरीदाबाद, मेरा अपना जो अनुभव है जी वो मैं आपको बतलाता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, जी हाँ, तो शिकायत शाखा मेरे पास थी, मैं उसका प्रभारी था, कंप्लेंट ब्रांच जी। तो जो उसको मीटिंग को कंडक्ट कराना, उसका एजेंडा, उसकी कार्रवाई, उसकी प्रोसीडिंग, वो सारा कुछ मेरे द्वारा ही उपायुक्त महोदय को प्रस्तुत किया जाता था, अंतिम निर्णय तो उन्हीं का होता था। तो मुझे कौन सी शिकायत रखी जानी है, मुझे याद आ रहा है अनिल मलिक जी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे जी। तो जब इस तरह का माहौल मैंने देखा मीटिंग के अंदर, क्योंकि उससे पहले मीटिंग में एक घटना घट चुकी थी, वो घटना क्या थी कि आवाज लोगों ने ये लगाई कि जी गर्मी का मौसम है, जोड़ों में पानी नहीं है, तो खुद चौटाला साहब ने कहा कि एससी पब्लिक हेल्थ, एससी इरिगेशन और ये स्टेज पे आ जाए। उन्होंने ये कहा कि भाई आदमी तो ठीक अपने पानी की पीने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लेगा, मवेशी जो है ना वो खुट्टे पे बंधे होते हैं या वो उनको पानी मुहैया होना ही चाहिए। तो मैं आपको आदेश देता हूँ कि भले पानी की सप्लाई में कमी हो जाए, लेकिन पशुओं के लिए जोड़ों में जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा, तो एक सदस्य होते थे पृथला गांव के, गिरिराज पीटीआई जी, वो खड़े हुए कहे चौधरी साहब हमारे ये है कमी वो है, वो कहने लगे मैंने बता दिया है, आदेश हो गए हैं और इस पे ये करेंगे अधिकारी। वो फिर भी नहीं माने, उसमें फिर वो टांग घुसेड़ते रहे। आखिर मुख्यमंत्री नाराज हुए, उन्होंने कहा क्या आप इसके सदस्य हैं, जो कि नहीं थे, नहीं थे वो सबसे आगे की चेयर पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के लोग जो है ना वो क्यों बाहर करिएगा जी। तो अगली बैठक में मैंने फिर उपायुक्त को कहा कि इसी तरह के जो ये लोग
जो सदस्य नहीं है वो काफी मात्रा में यहाँ मीटिंग हॉल में उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तो इनको रोक लगानी जानी चाहिए। बाकायदा वैसे तो ठीक है, आपने जैसे फरमाया कि उस मीटिंग में सदस्य हों, शिकायतकर्ता हों, जिनकी शिकायतों पे सुनवाई होती है जी, और अधिकारी तो सभी होते ही अधिकारी होंगे, संबंध विभाग होंगे। ये आम जलसा नहीं है, बिल्कुल। यूं तो कल को विधानसभा में भी फिर इस तरह से लोग, मैं बताऊं, बड़ी स्थिति हास्यास्पद बन जाती है कि मंत्री जी अपने कॉलर ऊंचे करने के लिए जी वो अधिकारी की शिकायत होती है। हाँ, आज जो शिकायत थी वो सूचीबद्ध भी नहीं थी जी, सूचीबद्ध शिकायत नहीं थी, वो आज जो शिकायत थी वो बाद में मौके की शिकायत, किसी ने कह दिया और आपने नहीं, लिखित शिकायत दे रखी है। चलो उन्होंने जी, मैं कह रहा हूँ सूचीबद्ध भी हो अगर, नहीं उसकी जांच हो। अब वो सूचीबद्ध शिकायत भी अगर हो जी, क्या होता है कि शिकायत दी, मंत्री जी ने अपने कॉलर वाइट करने हैं, ऊंचे कॉलर करने हैं, उठा करके कहा इनको सस्पेंड कर दो, लोगों ने तालियां बजाई। हाँ वही है, अब देखिए जनता अधिकारी के खिलाफ एक्शन होता है ना, तो आम जनता कभी कभी देखने को मिलता है कि वो खुश होते हैं जी, तो उसी को भुनाने के लिए मंत्री लोग ऐसा एक्शन लेते हैं, और जो कि गलत है बिल्कुल। तो बाकायदा उसकी जांच हो, उसका पता चले कि वो अधिकारी का दोष है या नहीं है, तो इस तरह का तो स्टेप लेना गलत है जी, जी बिल्कुल गलत जी, जी। तो मान लिया किसी को सस्पेंशन का ऑर्डर हो गया जी, उसके बाद में सस्पेंशन के बाद में उनकी फाइल चलेगी जी, अगर कभी उनकी जांच हो जी और वो जांच में पाया जाए कि ये तो दोष ही नहीं था, हाँ उस स्थिति का तो फिर जिम्मेदार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो जो नुकसान होना था जो अधिकारी की जो एक इमेज के ऊपर एक वो आया, बहुत है इमेज बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है, इमेज डाउन करना एक मिनट का काम है। हाँ बिल्कुल, आप किसी को सस्पेंड अगर कर दिया जी, उसका वो फॉल्ट था या नहीं था, लोग क्या कहेंगे जी, फलाना बड़ा भ्रष्ट आदमी है, उस पर कार्रवाई कर दी, तो सोचेंगे कुछ ना कुछ तो दोष होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तो होगा। और जबकि कुछ ना था जी, और फिर उसको ये सजा मिले, ये तो चाहे आम जनमानस में हो, अगर किसी को आप अदालत से सजा नहीं मिलती और उसको FIR के बेस पे और उसको अरेस्ट किया जाता है और वो पूरा आधा लगभग वो सजा भुगत रहे, मीडिया ट्रायल चलता है उसका जी पूरा जी, और जबकि संहिता ये कहती है, हम तो समझते हैं कि पत्रकारिता की भी संहिता होनी चाहिए, बिल्कुल, कि अगर किसी पर FIR हो गई तो वो दोषी नहीं हो गया, नहीं, हम किसी का चरित्र हनन, किसी का मर्यादा हनन करने के पात्र थोड़ी हो गए कि अगर किसी पर कुछ हो गया। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि अगर किसी अधिकारी की शिकायत हुई जी, हम कोई अधिकारी की वकालत नहीं कर रहे किसी नहीं, किसी की हम नहीं, उसके खिलाफ अगर है तो एक्शन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए कि उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी जांच हो, तफ्तीश हो उसकी, और उसके बाद में प्राइमा फेसी तो दोषी माना जाए, प्राइमा फेसी दोषी माना जाए, ये तो नहीं ना कि किसी ने शिकायत कर दी अपने उल्लू सीधा करने के लिए और उठाया और उसको सस्पेंड। अच्छा मैं बताऊं आपको, जैसे DTP वाला डिपार्टमेंट ही है ये, तो DTP वाले डिपार्टमेंट से जो मेन शिकायत होगी वो कॉलोनाइजरों को होगी, बिल्कुल, भू माफिया को होगी, वो कच्ची कॉलोनियां काटते हैं, अवैध कॉलोनियां काटते हैं, वो किसी को ऊपर तैयार करा होता ही यही है, वही लोग आगे आके शिकायत करेंगे, आम आदमी इस तरह का वो नहीं करता, आम आदमी तो पूरे चैनल को इस्तेमाल करेगा। अंतिम सवाल पे आते हुए सुरजेवाला जी, जी आप तो लंबे समय सरकारी सेवा में रहे हैं जी, जी चुनाव भी आपने बहुत देखे होंगे, सरकारें बहुत देखी हैं, बहुत करवाए भी हैं, चुनाव बहुत करवाए भी हैं जी, हाँ, ये वाला एक्शन खासकर चुनाव के समय ज्यादा क्यों होता है भाई, वोट की खातिर? सीधी सी बात है कि इलेक्शन के अंदर ऐसे मुद्दे उठाते हैं ये, जिससे कि जनता में एक भ्रम पैदा करें, एक जनता में एक इस तरह की एक वो बात लेके आए कि हम आपके बड़े शुभचिंतक हैं और आपकी सुनवाई के लिए हम तत्पर हैं, हम कोताही जो कोई करता है उसको नहीं बख्शेंगे, इस तरह का। वोट तो अधिकारियों की भी होती है? नहीं, अधिकारियों की भी होती है, और फिर उनके सब पीछे जो उनके लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, उनके मिलने जुलने वाले फिर जाते हैं, ये भ्रम जाल है, ये भ्रम जाल है सारा, ये भ्रम जाल है, उनको ये लगता है कि इससे लोग बड़े खुश होंगे, और बाद में पर्दे के पीछे उनके क्षणिक तौर पर लोग ताली बजा देते हैं, लेकिन बाद में जैसा पता चलेगा, जैसे आज का रिएक्शन आप देखिएगा पलवल शहर में, मैंने जो सुना है कोई लोग इस बात को अच्छा नहीं मान रहे, वो कहते हैं यार उसके साथ जाती हुई है, तो ये है, वहां वही लोग ताली भी बजाते हैं, तो मतलब माना जाए कि सॉफ्ट टारगेट होता है जी,
जिस भी के खिलाफ शिकायत की जाए वो एक टारगेट बन जाता है, उस पर एक्शन हो जाता है, एक्शन के बाद में सरकार की वाहवाही हो जाती है, बस लोग ताली बजा लेते हैं, अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं और फिर उसके बाद में मामला वहीं का वहीं, टाइटा फिस वहीं का वहीं। इससे कोई ना भ्रष्टाचार पे असर पड़ता है ना किसी बात पे असर पड़ता है। जी 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 हाँ, अगर वो तो वो राउंड द क्लॉक हो 24/7 जिसको कहते हैं वो व्यवस्था चलती रहे अगर है। अब ये थोड़े है कि वो एक मीटिंग में आप आए हैं, दरबार सजा है और दरबार में आपने ऐसे आदेश पारित कर दिए जिससे वहाँ पे जो बैठे हैं आपके, आपने दुमछल्ला काम है तो इसको कुछ भी कहिए आप, प्रशंसक कहिए या उनके वो ताली पीट देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। मतलब सामंती व्यवस्था एक तरह से, बिल्कुल जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती राजा साहब आएंगे, दरबार सजेगा, हाजिर हो, उसके बाद में वो राजा का एक्शन हुआ और उसके बाद पता नहीं कि एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ। खैर जी, ये चुनावी सीजन है जो मैंने शुरू में कहा था कि चुनावी सीजन के अंदर, और सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं कि चुनावी सीजन में ये एक्शन ज्यादा होते हैं। मेरा आपके साथ भी एक सवाल है, जो हमारे सुधीर दर्शक हैं वो इस पर जरूर अपना रिएक्शन दें कि आखिर इस प्रकार के एक्शन का जैसे चुनावी सीजन में होते हैं, क्या ये खाली चुनावी सीजन में होने चाहिए और या फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, एक सवाल तो ये। और दूसरा, क्या केवल वाहवाही लूटने के लिए और शेखी बघारने के लिए या फिर क्षणिक लाभ कह सकते हैं या क्षणिक उसका स्वाद कह सकते हैं, उसके लिए इस प्रकार की किसी पर गाज गिराना कहां तक वाजिब है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।